सो गुड इवनिंग दोस्तों, अब हो रही है शाम के 4:30 बजे एंड बाहर का मौसम देखो ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। रात एकदम चिल हो गए हैं अभी एंड मैंने पूरा बिनी विनी से कवर कर लिया। अंदर भी मैंने बॉडी वार्मर पहना है जो मैंने लिया था बैंगलोर में, आपने देखा है ना। तो मैं भी पूरी तैयार हो चुकी हूँ, बाहर जा रही हूँ क्योंकि मुझे ब्रेड, अंडे, दूध और कुछ छोटा मोटा, एक प्याज, हरी मिर्च वगैरह कुछ चाहिए तो वो लाने जाना है मुझे, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं घर पे बना लूँगी। हर बार मैं बाहर नहीं खा सकती एंड बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है। वैसे भी मम्मी ने मुझे काफ़ी सारे मसाले दिए हैं कि मुझे आराम से घर बैठे बैठे भी मैं बहुत कुछ बना सकती हूँ। सो सारी टोपी भी पहन के हो चुका है, इतना पहनने के बावजूद ठंड लग रही है। एंड मम्मी ने मुझे बोला था कि मफलर रख लेके जाना, बट मैं मफलर नहीं लाई, तो थोड़ा बहुत गर्दन के लिए आई थिंक ये बाल थोड़ा बहुत सेव कर लेंगे। सो चलिए बाहर चलते हैं, थोड़ा सा अगर मार्केट प्लेस खुला रहा तो दिखाऊंगी, वरना कल दिखाऊंगी आपको, बहुत प्यारा मार्केट है यहाँ पे। सो लेट्स गो। सो वो जो पीछे दिख रहा है वो मेरा अपार्टमेंट है एंड ये देखिए, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बट मुंह से धुएं निकल रहे हैं लिटरली, इतनी ठंड है। ये देखिए ठंड है एंड धीरे धीरे ड्रिजलिंग होनी स्टार्ट हो गई है यार, बारिश कहाँ से होती है जब इतनी ठंड होती है, गॉड। सो भी जा रही हूँ मैं कुछ लाने के लिए सुपरमार्केट से। देखिए बारिश भी आने लग गई ठंडी के साथ साथ, पूरी की पूरी बारिश। और ये रोड ट्रैम्स के ट्रेल हैं और वो रहा जो मार्केट में बोल रही थी, तो एक बिल्कुल मेरे रूम के सामने ही है एंड काफ़ी अच्छा है, मगर बस बारिश नहीं होनी चाहिए। मुझे इधर जाना है अभी रिपब्लिक स्क्वायर के लिए। सो एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में हूँ मैं। सो या लेट्स गो। सोफाज और स्टूल्स को देखो कितने छोटे हैं, बिल्कुल चुटकू से हैं। और फ्राइडे सैटरडे संडे की नाइट यहाँ पे बहुत हैपनिंग होती है, बट आज बारिश की वजह से सब कुछ अंदर हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। दिस इज़ माई टाइप ऑफ थिंग्स। ये देखिए मुझे ऐसे सब बहुत पसंद है, ये नाइट क्लब रोमांसा, ओह माय गॉड। तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है एंड आपको ऐसे स्लोप्स बहुत दिखेंगे जहाँ पे चढ़ाई है, यहाँ पे रहोगे ना वेट लॉस ज़रूर होगा। वो देखिए कितनी चढ़ाई चढ़ के आई हूँ मैं। और ये रहे कैफेज़ और मुझे लाइव म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है कहीं से, हाँ वो रहा अंदर। और देखिए लाइव म्यूज़िक है, बारिश में भी लोग घूम रहे हैं यार, मैं तो छाता पकड़ के आई हूँ। इसकी चढ़ाई देखिए आप एंड लोग इस पर चल भी रहे हैं, उतर भी रहे हैं और हर जगह आपको चढ़ाई दिखेगी। ये रहा एंड इस साइड से देखिए ये भी चढ़ाई है, ओह गॉड। देखते ही इस रेस्टोरेंट से प्यार हो गया काइंड ऑफ। ये देखिए कितना ओल्ड स्टाइल है, ओह मैन। देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पे स्टैचू है, उसके साथ वाइन बैरल और उसके साथ यहाँ देखिए ये कैफे कितना प्यारा है यार, सो ब्यूटीफुल, एकदम एलिगेंट है, ओल्ड स्टाइल। देखिए लोग बारिश में भी चले जा रहे हैं। अगर हाँ जैसी भीड़ यहाँ होती है जनरली, वो वाली भीड़ नहीं है। ये बस म्यूजिक चले जा रहा है। फाइनली मुझे मोहब्बतें मूवी के पत्ते मिल गए। मैं सोचती थी इनको कब देखूंगी लाइव, ये देखिए यहाँ गिरे हुए हैं सारे। हमारे में से इंडिया, इंडियंस में से ये सब कुछ कभी नहीं बदल सकते। देखिए ये प्लांट है वो, ओह गॉड। ये मैं सामान ली हूँ, सो पेड़ दिख गया तो मैं मेरे हाथों में सारा एक में सामान पकड़ के आपको दिखा रही थी, घर जाके दिखाऊंगी क्या क्या लिया है। ये मैंने ब्रेड लिया ताकि इसको टोस्ट करके गार्लिक ब्रेड वगैरह बना के खा सकती हूँ मैं। ये ब्रेड मुझे पड़ा अराउंड 60 दिनार का, तो मैंने ये वाले सुपरमार्केट से चीज़ें ली, छोटा सा सुपरमार्केट था, बातें समझ आती है नहीं मगर हाँ था छोटा सा। एंड फिर मैंने लिया ये टोमेटो प्यूरे ताकि मैं इसे सांभर वगैरह कुछ भी बना पाऊँ अगर राइस मिल गया मुझे तो,
और मैंने ये चीज़ का ब्लॉक लिया एकदम लोकल वेंडर से, तो आपको जितना चीज़ चाहिए उतना कट करके दे देते हैं, तो ऐसा वाला चीज़ लिया मैंने उनसे। ये मुझे 200 दिनार का पड़ा है, ऑलमोस्ट इंडिया के प्राइस सिमिलर है, बट ये चीज़ एकदम प्योर चीज़ है, वैसे भी यूरोप का चीज़ बहुत फेमस होता है। और ये मैंने अंडे लिए, 2 निकाल दिए हैं अभी, डिनर के लिए कुछ बनाऊंगी मैं, सो ये हुआ। और फिर मैंने कुछ हरी मिर्च लाई है, क्योंकि ऑमलेट में हरी मिर्च नहीं है तो मैं नहीं खा पाऊंगी। एंड थोड़े सी प्याज लाए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा लाला के स्टॉक नहीं करूँगी, वैसे भी 14 डेज बाद जाना है। एंड उसके साथ ये दूध लाया मैंने, 1.5 लीटर का दूध का बॉटल, मिल्क मलेको बोलते हैं इसको, और ये अगेन मैक्सी ब्रांड का ही है, तो मैक्सी सुपरमार्केट है यहाँ पे, तो उसकी वजह से मैक्सी की आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी। अभी बस मैं सामान निकाल रही हूँ, थोड़ा बहुत जो जो मुझे यूज़ में आएगा सारा कुछ निकाल के मतलब किचन में रखूँगी, ताकि मुझे ईजिली पकाने में बहुत आसानी हो। और मैंने टीवी चला दिया है, टीवी मेरे से भी बड़ा है टीवी, तो इसमें मैं गाने चलाऊँगी, क्योंकि ये अपार्टमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा साइलेंट है, एंड मुझे साइलेंट चीज़ें पसंद है नहीं। एंड मैंने हीटर ऑन कर दिया है, 30 डिग्रीज पे रख दिया हीटर को, ताकि रूम गर्म हो जाए, रात को सोने में इजी हो। वैसे वार्मर पहना है, सोच रही हूँ कुछ और भी पहन लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है अब अंदर भी, तो मैं ये पहनूँगी जो वूलन का है, एकदम सॉफ्ट है, गर्म हो जाएगा थोड़ा बहुत। फिर डिनर बनाते हुए मिलूँगी, तब तक मैं मेरा सामान निकाल के रख देती हूँ। डे 1 इन सर्बिया, ये मैगी नूडल्स बना रही हूँ, इंडिया मैगी। इसमें कुछ मसाला यहाँ रखा हुआ है अपार्टमेंट में, बहुत ही प्यारा इटालियन सीजनिंग जैसा था वो भी डाल दिया मैंने। और साथ ही साथ ये मैं चिंग्स का सूप लाई थी, हॉट एंड सार सूप, तो इसको बनाने के लिए रखा है, सिर्फ हाफ पैकेट डाला है इसलिए मेरे एक के लिए काफ़ी है। और अंडे का एग वाइट बना के खाऊंगी। एंड मैंने बहुत ही प्यारा म्यूजिक व्यूजिक लगा के मस्त माहौल बना लिया अपने लिए, ताकि मैं बोर ना हूँ। सो बस ये भी खाना खाऊंगी, एंड ऐसी नींद आ रही है ना मत पूछिए, तो ये खाकर फिर सो जाऊंगी। सो ये बनने के बाद एक झलक दिखाऊंगी आप लोगों को। सो ये देखिए मैगी नूडल्स तैयार है, ऊपर से थोड़ा सा चीज़ ग्रेट किया जो फ्रेश लाई थी मैं। एंड ये रहा हॉट एंड सार सूप, और ये रहा एग वाइट का ऑमलेट, तो मेरा प्योर एकदम घरेलू लंच तैयार है, मैगी के अलावा बाकी सब मस्त बना है। आई मीन लाइक घरेलू ही है सब कुछ, बाहर खाने से अच्छा है ये वाला मस्त खाना खाऊं मैं। तो अब रात के 9 बज रहे हैं, एंड मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं है अभी कि और व्लॉग करूं या कुछ भी बोलूं, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना। मैंने वैसे बॉडी वार्मर पहन के ही सो रही हूँ, जैकेट्स उतार दिए, क्योंकि सुबह से इतने हैवी कपड़े पहन के ना बॉडी पर भी इतना ज़ोर पड़ रहा है। एंड वैसे ही मेरी आँखें वगैरह बहुत दुख रही है, क्योंकि कल से मैं फ़्लाइट में बैठी थी, एंड फाइनली आज उतरी हूँ मैं फ़्लाइट से, तो इतनी लंबी जर्नी मैं कभी की नहीं हूँ। एंड ठंड बहुत है, उसकी वजह से मैंने अच्छा खासा थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइज़र लगाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा स्किन ड्राई हो या कुछ भी हो। एंड लिप्स भी बहुत ड्राई हो रहे थे हवा की वजह से यहाँ पे, तो उन पे भी मैंने अच्छा थिक लेयर वैसलीन का लगा दिया। सो डिनर देखा ना आपने, डिनर इतना मज़ा आया मालूम, अकेले बैठ के खा रही थी मगर फिर भी इतना मज़ा आ रहा था, क्योंकि ठंड है ना, तो उसमें गरम गरम ऐसे नूडल्स, गरम गरम सूप एंड गरम गरम एग वाइट, ओ मैन एग वाइट मेरा फेवरेट है। यही था, तो अभी मैं सोती हूँ, एंड आप लोगों से कल मिलती हूँ with a new morning, and that would be my second day in Belgrade, Serbia, Europe. So हाँ, कल सुबह मिलती हूँ। आई थिंक आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर देती हूँ सोते सोते, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या कर रहे हैं, क्या खा रही हूँ, वो अलग सा एक व्लॉग होगा, तो इसीलिए आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ बड़ा सा थम्स अप दीजिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। See you again in my next video. Till then, take care. Bye-bye.